हेलो दोस्तों, राम राम। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो गए। हमारे यूट्यूब चैनल निकिता मीना ब्लॉग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और अब है दोपहर का टाइम, क्योंकि सुबह से क्या दोपहर में खाना खाने के लिए आए थे खेत से, और अब हम जा रहे हैं दोबारा। देखो इसमें ट्रेन वाला टाइम सेट करा का उल्टा दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे करूँ मतलब 2 बज गए हैं, 2 बज के इसमें क्या एक मिनट दिखा रहा है, 2 बज के 3 मिनट दिखा रहा है इसमें ट्रेन वाला टाइम कर रखा है। मेरे ससुर का फोन है ये जो देख रहे थे। और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि हमारे खेत में मजूर लग रहे हैं, इसलिए वो आगे खेत में पापा के काम कर रहे थे। और दोनों गुड़िया पढ़ रही हैं, इनसे कहती हैं मन की तुम लोग पढ़ लें। तो दोस्तों अब चलते हैं ना। तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं पीछे को। ये मेरे खुरपा लाई, एक मेरे हस्बैंड का, एक मेरा, वो आ रहे हैं, वो कहीं पे गए हैं किसी काम से। और हमारा मंजूर है जो अकेले ही लग रहा है, क्योंकि मैं घर रोटी खाई, बर्तन मांजे, बाकी काम भी किया था, इसलिए टाइम लग गया। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, आप देख रहे हो कितनी तेज धूप पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। और दोपहर क्योंकि यहाँ पर करते हैं 1 बजे से 2 बजे तक लंच करते हैं, 1 घंटे का, बस 1 घंटा होने पर वापस आ जाते हैं। सुबह 9 बजे से आते हैं, फिर 9 बजे के बाद में 1 घंटे का लंच करते हैं, 1 बजे से 2 बजे तक का। अब 2 बज गए, वो आ गए हैं खेत में और मैं जा रही हूँ अब, क्योंकि मैं थोड़ी करीब 5-10 मिनट लेट हूँ। तो अब चलते हैं, हस्बैंड भी आ रहे हैं क्योंकि वो अकेला ही लग रहा है खेत में। और अरे आ जाओ थोड़ा सा दूध नड़वा ले जाओ। अरे मैं यहाँ आगे जब याद आई मेरे उधर देवर आ रहे हो, अखन फोन कर दूंगा करो कोई, अब बिना वादे कर रहे हो गए बाज उठा मल जो कह जो इन ही क्या मैंने काम ना करो कि बता वो देखी ना, मतलब है ना मैं 10 साल होगी शादी को, मतलब आपको आप ही गए ना इसे मार माई कह रही है, तू कह रही है। अरे बड़ बात है, तुम्हारी किस्मत में लिखा ले पहले ऊपर वाला से है ना। देख इत कुछ देख ले थोड़ी सी जी, लन्ना ला रू मैं की बनवा भेड़ू बनवा मैं जाऊंग तो ले यार मैं जी जी देख पसीना किसी और में पानी भूल जो लड़ दूंगा तुम्हें रात में काटो। वे इसका देवर आ रहे हैं, वो लेके आएंगे पानी, थक गई नहीं पसीना एकदम लद पद हो रही है। चलो शुरू करते हैं ना, तो ब्लॉग के साथ बने रहना। चलते हैं अब, ओके पानी पुआने के लिए आई थी, पानी पिला दिया इनको। जल्दी जल्दी चलाओ खुरपो, आता हस्बैंड भी नलर सब अपनी अपनी तेज फुर्ती में नड़ा रहे हैं, कौन फास्ट नड़ाता है। फटाफट नड़ा रहे हैं तीनों चारों, मैं भी नड़ा रही थी पर मेरे वीडियो कौन बनाओ नड़ाऊ, तो बीच बीच में ब्रेक ले लो ना जो सब। अभी तो इधर का तो नड़ गया पूरा, और ये रह रहा है इधर का, रह रहा है इसको नड़ा के जब घर जाएंगे हम लोग, थक गए बहुत ज्यादा। अभी तो हमारा ये खेत पड़ा है, इधर को वो खेत पड़ा है, अभी तो 4 खेत बाकी है इसको नलने के बाद में, और ये नला रहे हैं सभी। और अब अपन भी चल, ये बाकी रह रहा है हमारा, बाकी सारा नल चुका है, थोड़ी पुलिस फेड़ में नला रहे हैं। देख हमारे छाला भी हो गया, चल छाल हो गए इसकी, मेहनती आदमी है। ये हमारे एक ही जड़ देख कितनी नीम इकट्ठी हो रही है, एक जगह पे ही है ये, इतनी सारी फुल स्पीड में चल रहे हैं, अपनी अपनी फुर्ती दिखा रहे हैं सब लोग, कोई टेढ़े बाके हो गए सब लड़ा रहे हैं।
करौंदा तोड़ लिए करौंदा। लड़ाई करने के साथ साथ में हमने करी करौंजान की चोरी। फिर कई मार दिया कई उन्हें क्या एक श्याप दो ही श्याप ये भगा दिया कहीं बैठे हैं कर उखाड़ करेंगे तो दीदी नहीं कहीं कर रही ये लड़ाई कर रहे हैं ना खेत की ये देख ले खेत नड़ा दियो अब तू बिल्ली आती थे खुरप नड़ ना जाते खेत वहां दूसरो तो हम तो आ गए खेत में कि क्योंकि हमारा वो खेत नल चुका है और क्योंकि शाम हो चुकी है जब थके हारे घर जाते हैं तो घर जाने का और ही आनंद आता है आप भी जानते हो जो खेत में थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये लोग भी अभी इनका भी नल चुका है तो ये भी अब जाने की तैयारी में चढ़ गए जाने के लिए। सब लोग खेत से काम कर करके लौटते हैं ना शाम के वक्त। अभी वो खेतों में लग रहे हैं वो भी जाने की तैयारी में क्योंकि शाम हो गई है कुछ नड़ा रहे हैं कुछ जा रहे हैं ऐसा हो रहा है। निकिता वेट कर रहे हैं निकिता और उसके दादाजी घर पे थे लास्ट में बिट्टू भी चले गए खेतों पे और हम अब लोग घर आ गए हैं अब देखते हैं घर आ पहुँचे भैंसे रड़क रही हैं थकी आ रही आए यार कुछ सेवा पानी कर दे यार लड़ाई तो मैंने ही करी है हमने तो बस ज्ञान जाड़े हो छाल हो गया तो इसके हाथों में जो है गुस्सा आ रहा है गुस्सा और हमारे घर में भी देखो चारा ही चारा हो रहा है पहले तो हस्बैंड रहते हैं ना ये खोद देते हैं अब की बारी इसको छुट्टी नहीं मिली तो चारा हो गया खेत में ना घर में ही देखो पहले यहाँ क्या गार्डन था यहाँ पे।